लेडीज इंडस्ट्रियल होम कुंजपुरा रोड पर पर्यावरण संरक्षण हेतु आज पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विशेष प्रतिनिधि संजय बटला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आपको बता दें, पौधारोपण में अपनी भागीदारी निभाई इस अवसर पर की लेडीज इंडस्ट्रियल होम में ट्रेनिंग ले रही छात्राओं द्वारा गमलों में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। और मौके पर श्री सेवा समिति आश्रम के प्रधान राजेंद्र मदान, रूप नारायण चन्ना के अलावा समिति के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में जैसे कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उसको देखते हुए पर्यावरण को बचाए रखना बेहद जरूरी है, जिसके चलते आज से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। उसी कड़ी में आज यहाँ पौधारोपण पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। इस अवसर पर लेडीज इंडस्ट्रियल होम में कार्य करने वाले अध्यापक व छात्राएं मौजूद रहे थे। देखिए इस रिपोर्ट में। सर, मैं यही संदेश दूंगी कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है। वृक्षारोपण करने से ऑक्सीजन बढ़ेगा, आसपास हरियाली बनी रहेगी और इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते रहते हैं, भाई कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, पौधे लगाते रहेंगे तो वो सब कंट्रोल में हो जाएगा। यही कहूँगी कि पॉल्यूशन भी बहुत कम हो जाएगा पौधे लगाने से। यही कहूँगी कि अगर जीवन बचाना है तो वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि पौधा ज़रूरी है लगाना, फॉर अपनी हेल्थ के लिए भी और हम सब के लिए भी, क्योंकि अब कोरोना काल चल रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो जितने पेड़ लगाएंगे उतनी जान बचाएंगे। तो बस यही बोलूँगी मैं तो। पौधारोपण कार्यक्रम किया गया है, क्या पर्पज है इसका? सब पौधारोपण से क्या है, हरियाली तो रहेगी और साथ ही ऑक्सीजन की वैल्यू जैसे दिन पे दिन कम हो रही है, और कोरोना कोविड के टाइम पे जैसे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया है, उस हिसाब से हमें पौधारोपण करना चाहिए और हर साल करना चाहिए, हर महीने करना चाहिए। इंडस्ट्रियल होम है एक, यहाँ पे बच्चों को डिप्लोमास कराए जाते हैं, जैसे पिटिशनर और कंप्यूटर और इसमें फैशन डिज़ाइनर और एक और स्टेनोग्राफी। ये सब बच्चे हमारे यहाँ एक स्कूल में डिप्लोमा मिलते हैं सब बच्चों को, सबका वन वन ईयर का होता है। और यहाँ पे मदान जी ने पौधारोपण का एक सिस्टम कराया है, जिसमें ये है कि हमारे यहाँ सभी बच्चों के लिए गमले आए हैं और गमलों में पौधे लगाए जा रहे हैं, पौधारोपण कराया जा रहा है, और सब बच्चे अपने अपने नाम का गमला लगाएंगे, गमले में पौधा लगाएंगे और सब उनमें डेली आके पानी देंगे, जिससे कि डेली जो हमारा पौधारोपण होगा, पौधों में बच्चे पानी देंगे, इससे ऑक्सीजन भी अच्छा मिलेगा और जो पर्यावरण भी शुद्ध होगा। कि हमारे मदान साहब ने ये बीड़ा उठाया है कि स्कूल में हरियाली का प्रोग्राम हो, हरियाली की कमी ना हो, तो उन्होंने जितने बच्चे हमारे हैं उतने गुलदान मंगवा के पौधारोपण किया है, ताकि एटमॉस्फेयर ठीक रहे और ऑक्सीजन हमें मिलती रहे। तो ये प्रयास जो है, मैं समझता हूँ कि हर स्कूल को, हर आदमी को करना चाहिए, घरों में लगाएं, बाहर दफ्तरों में लगाएं, तो पौधारोपण जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है आजकल के दौर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है और इसको सही रखने के लिए ऑक्सीजन पर पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे तो पौधारोपण बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सेवा समिति लेडीज़ इंडस्ट्रियल होम यहाँ ये पौधारोपण कर रहा है। अब सावन का मास शुरू होने वाला है, बरसातों का मौसम शुरू होने वाला है, तो ये पौधारोपण आज इन्होंने 100 पौधारोपण यहाँ कर रहे हैं। तो मैं पूरे समाज को यही कहूँगा कि इस मौसम के अंदर सभी को पौधे लगाने चाहिए, और पौधे लगाने ही नहीं चाहिए, पौधों को पालना भी चाहिए, उनका देखभाल भी करनी चाहिए। खाली लगाने के तो हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं, परंतु उनमें से 8 से 10% पौधे ही आगे जीवित रहते हैं। अगर हम इनकी देखभाल करेंगे तो ये अगर 50 से 60% पौधे अगर जीवित रह जाएं, तो हमारे ये पौधे लगाने का लाभ रहेगा। तो अभी पीछे कोरोना महामारी के अंदर हमने देखा कि ऑक्सीजन की कैसी पूरे दुनिया के अंदर कमी हुई। ये अगर हमारे को प्राकृतिक ऑक्सीजन की हम मात्रा पर्याप्त कर पाएंगे, जैसे अभी पीछे 5 जून को पर्यावरण दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऑक्सीजन वन का शुभारंभ किया करनाल और पंचकुला,
और सभी जगह आज की डेट में पौधे लगाए जा रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा कि वो कम से कम इस सीज़न के अंदर एक पौधा अवश्य लगाएं, और हर साल एक एक पौधा अगर लगाएंगे तो जो ऑक्सीजन की हमें कमी होती है वो ऑक्सीजन की हमें कमी नहीं होगी। मैं आज इस पौधारोपण पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हमारे लेडीज़ इंडस्ट्रियल होम के बुजुर्ग चाना जी, भाटिया जी, प्रधान रामा मदान जी और जितनी भी ये सारी टीम खड़ी है, गाबा जी, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं करनाल के श्री सेवा समिति औद्योगिक केंद्र कुंजपुरा रोड की। यहाँ पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही छात्राओं द्वारा गमलों में पौधे लगाकर पर्यावरण बचाव का संदेश दिया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्य विशेष प्रतिनिधि संजय बटला भी छात्राओं के बीच आकर पौधारोपण कर रहे हैं। उनके साथ सेवा समिति के प्रधान राजेंद्र मदान रामा पौधारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि श्री सेवा समिति आश्रम समय समय पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक करते हैं। उसी उद्देश्य से आज यहाँ पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं गमलों में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही हैं। अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।